होगा, आपके घूमने में नहीं होगा, दुनिया भर के चुनावी सभा में नहीं होगा, तब देश जाके मजबूत होगा। और डंका इस बात से बजेगा, डंका तो इजराइल को भी बज रहा था, हमास वालों ने मारा जो है नगाड़ा हो गया, केवल झूठ के फफूस उगाया है। पांच कारण बताइए ना आने का। महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाया, बेरोजगारी नहीं कंट्रोल कर पाया, बहन बेटियाँ जो है भारत की जो है सम्मानित बेटियाँ जो है सड़कों पर घसीटी गई, उनके सम्मान की आवाज़ में नहीं बोले, जिस तरह से मणिपुर में जो है सड़कों पर और महिलाओं को घुमाया गया, उसी तरह से इजराइल वाली घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, वहाँ भी नग्न करके जो है इजराइल में घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में आज भी मणिपुर जल रहा है, आपसी वैमनस्यता और राग में ज्वलनशीलता बनी हुई है। मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों मेरा एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री चुना था कि यूट्यूबर, यूट्यूब की कमाई से अपना घर परिवार चलाओगे, आपको यूट्यूब पंडित जी क्या होगा अगर पौरुष महाक्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन, चरण चुंबन की भाषा अगर आप पार्टी वाले संजय सिंह मनीष सिसोदिया केजरीवाल बोलने लगे तो भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे, उसका एक प्रारूप और होता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, सारे पाप धुल जाए, ठीक है कहने की बात होती है, लेकिन ज्वलनशीलता और आपसी वैमनस्यता की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी वालों को मालूम है कि तोड़ के मरोड़ के कहीं भी किसी प्रदेश में सांसद ये लोग बांटे तो रेवड़ी बांट रहे हैं, अब मोदी जी बांटे तो क्या होता है, ये भी तो मोदी जी नहीं बांट रहे हैं, गिनाऊं शौचालय मोदी जी दे रहे हैं, 2000 रुपये किसान सम्मान योजना मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो रेवड़ी नहीं है। अगर आपने जातियाँ बनाई हैं, आपने जातियाँ बनाई हैं तो जाति गणना जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, बिहार की जनगणना होने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनगणना। भाई साहब जब से आए हैं 9 साल में सुनिए आप को इनको समझाने वाला कोई मिलता नहीं, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता, अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजाक के नेताओं का भी डंका बज रहा था, हमास वालों ने मारा एक बार नस्तनाबूत हो गए, डंका किस बात का, मीडिया तो आतंकी बता रही है ना, सुनिए आप मोदी जी का डंका किस बात का, महंगाई इन्होंने कम किया इस बात का, देश में 80 करोड़ जनता भूखी मर रही है, उनको 5 किलो राशन दे के आप जिंदा किए इस बात का बढ़ रहा है, बताओ इस बात से बज रहा है डंका कि आप जो है बहुत बड़ा परमाणु शक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, देश में जो विदेशों में जो बड़े बड़े देश बैठे हैं उनके पास सामरिक शक्ति ज़्यादा है, मुझे आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप हमसे हमें बता रहे हैं, आप हमसे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हाँ तो आ रही है या नहीं आ रही, भविष्य की गर्त की बात जो है ना वो करिए, आप प्रवक्ता की तरह बात न करें, अगर आप हर सवाल में क्या क्या कब कैसे लगाते, चलिए उत्तर में बेरुखी से आपको दूंगा, कौन आ रहा है कैसे आ रहा है, ये राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, जल हम भारतवर्ष के बेटे हैं, हरगिज डर नहीं सकते हैं, मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते, जो कायर हो करके दुश्मन के आगे सर झुकाता होगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता, सुनिए आप। अच्छा बोलिए, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, भगवान श्री राम जिंदाबाद, भारत माता की जय, हैं सब जिंदाबाद है, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया क्या, बेरोजगारी नहीं कंट्रोल कर पाया, बहन बेटियाँ जो है भारत की जो है सम्मानित बेटियाँ जो है सड़कों पर घसीटी गई, उनके सम्मान की आवाज़ में नहीं बोले, जिस तरह से मणिपुर में जो है सड़कों पर और महिलाओं को घुमाया गया, उसी तरह से इजराइल वाली घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, वहाँ भी नग्न करके जो है इजराइल में घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में आज भी मणिपुर जल रहा है, आपसी वैमनस्यता और राग में ज्वलनशीलता बनी हुई है। पांच हो गया, सुनिए आप प्रवक्ता बन के ना सुनिए, मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की बार आपकी बार भाजपा सरकार, लेकिन अब जी खा रहे हैं कर्ण पुरुष हैं, सुनिए आप न जाने कितना डोनेट कर देते हैं, आप मोदी जी का राशन 80 करोड़ जो जनता खा रही है वो डाटा है, मोदी जी इतने दिन में चाहते तो जो देश का पैसा खर्चा करके अनाज खरीद करके 80 करोड़ लोगों में बांटा जा रहा है ना, उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसी पैसे से बहुत काम हो जाता है, उसी पैसे के मामूली पैसे के राशन खरीदा जाता है जो गरीबों में बांटा जाता है, मोदी जी उनको काम क्यों नहीं दे रहे हैं, काम देंगे तो आपको पैसे नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, तब देश की जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसे अपव्यय नहीं होगा, आपके घूमने में नहीं होगा, दुनिया भर के चुनावी सभा में नहीं होगा, तब देश जाके मजबूत होगा। और डंका इस बात से बजेगा, डंका तो इजराइल को भी बज रहा था, हमास वालों ने मारा जो है, इतना शोक तो न बोलिए कि तो आम जनता जो है ना सारी पोल आप लोग खोल के रख दीजिए, जब मोदी जी ने कहा भाई और बहनों मेरा एक चैनल है, सुन लिया है यूट्यूब पे आने की, खुद यूट्यूब है, प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री, सुन लीजिए आपको जानकारी नहीं, सवाल कर रहे हो आप, सुनिए आप।
मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों मेरा एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री चुना था कि यूट्यूबर, यूट्यूब की कमाई से अपना घर परिवार चलाओगे? बताइए, महंगाई विकास है, बेरोजगारी विकास है, देश के शैक्षिक संस्थान बंद हो जाए, छोटी छोटी जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे वीर जवान किसान सीमाओं पर लगे रहे अपनी जान की, देश की सुरक्षा के लिए कितने तो प्राण गंवा दिए। एक छोटी सी पेंशन मांगी गई घर परिवार के गुजारा भत्ता करने के लिए, कहते थे कि पेंशन लागू होगी पुरानी, क्यों नहीं लागू की गई, क्यों महंगाई कम नहीं की गई? छोड़ दो 2 करोड़ नौकरियों की बातें, छोड़ दीजिए आप, खाली पद जो पड़े हुए हैं ना डाक विभाग में, राजस्व विभाग में, रेलवे विभाग में, अन्य डिपार्टमेंट में, उनको सृजित नहीं है। मोदी जी 15 अगस्त के लाल किला पर तीर से बोले तो मैंने यही कहा था, कब मोदी जी अहम या बहम के शिकार हो गए हैं, ठीक है, अहम और बहम का कोई इलाज। G20 कराने से पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ये 140 देशों का सम्मेलन इसी दिल्ली में जो है करवाया है। G20 जो है विश्व में सभी देशों के द्वारा चलाया जाता है, अब अगले साल बीजिंग में होगा, अगले साल कहीं और होगा, इस तरह से हर जगह होता है। G20 कुछ निकल के थोड़ी आता है, आपसी भाईचारा होता है, आपसी बात होती है, उसका कोई कानून लागू थोड़ी होता है। अब आप बताइए 41,000 करोड़ रुपये जो है खर्चा किए गए, कम पैसे में भी होता है, आप अव्यय हुए, और जो उसमें G20 में काम कर रहे थे कुछ दिन पहले तक उनको वेतन तक भी नहीं मिल पाया था। मोदी नहीं तो कौन? जो बहुमत दल का नेता होगा, सांसद की संख्या जिसके पास ज़्यादा होगी, जिसके पास सांसद दल की संख्या ज़्यादा होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। ये राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? हम इसको राजनीति करना होता है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सवाल आपने किया, जवाब मैं दूंगा आपको। हैं तो मोदी जी को कोस रहे हैं? हम ये मोदी जी कोस रहे हैं, सच्चाई आपको बता रहे हैं, उस पर प्रकाश आपने सवाल किया, बता रहा हूँ कि मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, काम करने की क्षमता कम हो गई है, अब इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, NDA में बहुत सारे लोग हैं कि काम को संभाल लेंगे। आपका विकास नहीं हुआ है तो क्या देश का विकास नहीं हुआ है? आपने कहा 18 घंटे काम करते हैं, आपको पता है कि मानव शरीर की संरचना इस तरह से होती है, 18 घंटे की काम करने की कैपेसिटी नहीं होती। जो आदमी 18 घंटा 4 दिन काम कर ले उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा दीजिए, LFT और CBC टेस्ट करा लीजिए, तमाम तरह का संक्रमण का शिकार हो जाएगा या इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है वो कम हो जाएगी। हमको बता रहे हो तो अब हम आपको सुन लेते हैं, आप सवाल कर लीजिए, प्रवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता आप मत बनिए कि आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए, उत्तर देना मेरा काम है, आप ये पूछो क्या क्यों लगा दीजिए सवाल में, जो आप कह रहे हैं क्या जनता, इस तरह बोलिए क्या जनता मोदी के साथ में है, ये वक्त बता देंगे। पैसा लेकर आए आप प्रवक्ता बन के BJP की जो है प्रचारक हो क्या, इस तरह हर सवाल में क्या क्यों लगाते थे? सवाल करिए ना, सवाल का कर्मकारक चिन्ह तो नहीं आ रहा है आपका, सवाल में क्या क्यों कब जुड़ता है? पहन ले वो उपकरण किसका क्या दिख रहा है यार, आपको सवाल ही ऐसे हो रहे हैं, हम क्या बोले आपको बताओ? आप सवाल काम बताइए क्या, चलिए आखिरी सवाल मोदी जी का, 5 काम बताइए मोदी जी का। 5 सवाल, महंगाई नंबर 1 का, चरम सीमा का, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हो। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर, इसका आप जवाब नहीं दे सकते हो, 2 हो गया, ठीक है। महिलाओं के सम्मान में बहुत बड़ा देखा है आपने आए दिन, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, 3 काम हो गया। हर काम को अपने नाम कर लेना है, ठीक है, मोदी जी का ही काम है। मोदी जी भ्रमण के मामले में विश्व रिकॉर्ड है, इनसे ज़्यादा 92 देशों का 6 महाद्वीपों की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। 8-8 घंटा जो 18 घंटा जो काम बताते हो, जो आदमी घूमेगा वो काम करेगा? आपको पता कि मोदी जी 92 देशों की विदेश यात्रा कर डाली 9 साल में, 6 महाद्वीप घूम डाले, 21 करोड़ रुपए जो है, 21,000 करोड़ रुपए जो है, नीति मजबूत हो रहा है ना जी, विदेश नीति ये मजबूत हो रहा है कि चाइना का सामान नहीं आए ना, तो आत्मनिर्भरता हमारी कमजोर हो जाए। आत्मनिर्भरता का मतलब हम स्वयं निर्माण